शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के सीएसएस सिद्धार्थ ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। 7 नवंबर से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन के लिए 15 दिन का मौका मिलेगा। 31 दिसंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शिक्षा विभाग के एसीएस से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पीएससी पास शिक्षकों का इंतजार खत्म होने वाला है। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। सर, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लग रहा है कि अब पूरी प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। देखिए, हम लोगों ने आज सभी शिक्षा पदाधिकारियों का ट्रेनिंग करवाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिला में पदाधिकारियों का, कि वेबसाइट को कैसे ऑपरेट करना है और क्या उसमें कैसे कैसे उसको भरना है। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तो हम लोग का खत्म हो गया आज, और 2 दिन हम लोग अपने आंतरिक रूप से इंटरनल हम लोग टेस्टिंग में इसको रखेंगे जी। और टेस्टिंग के बाद हम लोग इसको लाइव कर देंगे, छठ से पहले लाइव कर देंगे, और करीब 15 दिन का समय हम लोग देंगे सभी शिक्षकों को, जिसमें हमारे बीपीएससी वाले हैं, पुराने टीचर हैं जी, हमारे सक्षमता पास हैं, तो सभी को हम लोग ऑप्शन देंगे कि वो अपना ऑप्शन भरेंगे, और उसके बाद 15 दिन के बाद हम लोग इसका फाइनली इसका ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया शुरू करेंगे। मतलब ट्रायल जो है 2 ही दिन होगा? हाँ, 2 ही दिन, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हम पिछले 1 सप्ताह से कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर, तो 1 सप्ताह से तो हम लोग सभी जितने भी त्रुटियां थी मेरे स्तर पर ही भी 3-4 बार इसका प्रेजेंटेशन हुआ है, तो आज हम लोगों ने फाइनल इसका प्रशिक्षण कराया है। अच्छा, और सभी डीएस को प्रशिक्षण कराया है, और 2 दिन होगा और 1 दिन और ठीक करने में लगेगा, तो मेरा है कि 2-3 दिन में इसको हम लोग लाइव कर देंगे, छठ से पहले इसको लाइव कर देंगे। मतलब नहाए खाए या फिर खरना के दिन से शुरुआत कर लीजिए आप, मतलब आज से, अगर आप आज से छुट्टी है, कल संडे है, तो 2 दिन तो कम से कम मंडे ट्यूसडे हम लोग टेस्टिंग में देंगे, तो वेनेसडे अगर वो उसको ठीक करेंगे, कुछ त्रुटियां होगी तो जी, तो थर्सडे से इसको हम लोग थर्सडे से मोटा मोटी शुरू, मोटा मोटी हम लोग लाइव कर देंगे, और गाइडलाइन मेरे ख्याल से अब मंडे को हम लोग इस गाइडलाइंस को भी लिखित गाइडलाइन हम लोग इशू कर देंगे। मेरा बस इतना ही है, टीचर लोग अपना ऑप्शंस याद रखें, अपना खोज के रखें जी, जो पॉलिसी के हिसाब से, ताकि भरने के समय आसानी से वो पेपर में नोट करके रखें जी, ताकि भरने के समय वो भरना इजी हो जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल और सभी जानना भी चाहते हैं कि महिला दिव्यांग पति पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित और इसके साथ साथ बाकी जो पुरुष हैं उनके लिए क्या है? देखिए ऑप्शन पॉलिसी के हिसाब से है, ठीक है ना, और पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई है जी, और पॉलिसी में बहुत ही स्पष्ट किया गया है, जैसे असाध्य हैं अपने ही पंचायत में हैं, विकलांग अपने ही पंचायत में, महिलाएं मत को पंचायत का ऑप्शन दिया है जी, पुरुषों को अनुमंडल का दिया सब, और ट्रांसजेंडर भी इस बार हम लोगों ने जोड़ लिया है जी, सॉफ्टवेयर बनाते समय ट्रांसजेंडर भी हम लोगों ने, क्योंकि वो पॉलिसी में था नहीं लेकिन सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने उसको भी इंक्लूड कर, मतलब जो पुरुष हैं उनको अनुमंडल के अलावा स्कूल का भी ऑप्शन दे रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग अनुमंडल ही दिया है, स्कूल का देखिए ऑप्शन संभव ही नहीं है ना, क्योंकि कि कहाँ पे क्या वैकेंसी है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आप अपना पंचायत अनुमंडल दीजिए। तो कितना ऑप्शन रहेगा अनुमंडल का? हम लोगों ने सभी कैटेगरी के जो टीचर्स हैं उनको 10 ऑप्शन दिया जी, मतलब 10 अनुमंडल भरना है वहाँ, 10 अनुमंडल भरेंगे, 10 पंचायत भरेंगे, स्कूल नहीं, किसी को नहीं, महिला को भी नहीं, स्कूल कैसे पता चलेगा आपको? स्कूल का अभी आपको पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि किस स्कूल से आ रहे हैं और किस स्कूल से जा रहे हैं ये तो आपको पता भी नहीं। अच्छा, जिस जिला में एक ही अनुमंडल है, कई ऐसे जिले हैं, शिवहर है, जमुई है, बगल वाला सीतामढ़ी का बगल वाला अनुमंडल दीजिए, मोतिहारी का अनुमंडल दीजिए, बॉर्डर इलाका अपना, बॉर्डर अपना चुन लीजिए। अच्छा, ये टारगेट कब तक रखा है आपने सर? हमने 15 दिन का समय दिया है, हम नहीं चाहते आप और मतलब सभी लोग एक साथ करें, तो 15 दिन अपना सोच समझ के जी, एक बार भर भी लिया, अगर बार बार करेक्शन भी करना है तो कर सकते हैं जी, अंतिम तिथि तक आप करेक्शन कर सकते हैं 15 दिन, मतलब 20 नवंबर से पहले ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा, जो अप्लाई का जो एक तरह से टारगेट प्रक्रिया हम कंप्लीट कर देंगे जी, 20 नवंबर से पहले अप्लाई की प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग अपने इंटरनली 10 दिन लेंगे इसको सॉफ्टवेयर चलाने में जी, और फिर कैटेगरी वाइज हम लोग फिर इसको पोस्टिंग करेंगे। अच्छा, और नए स्कूल में कब योगदान देंगे वो लोग? हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि 1 दिसंबर का, 1 दिसंबर का हम लोग दिया, क्योंकि सर्विस बुक सब इधर उधर सब एक तारीख को सभी, या फिर फर्स्ट जनवरी को, मतलब 31 तक पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, और फर्स्ट जनवरी को, मतलब फर्स्ट जनवरी वाले वीक को
हो सकता है 1 जनवरी बहुत छुट्टी भी मनाएंगे जी। तो प्रथम जनवरी वाले वीक को प्रथम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब उस सप्ताह में आप जाके नए स्कूल में ज्वाइन करें, मतलब नए साल का नया सवेरा नए स्कूल में देखने स्कूल में जाएंगे आप नए स्कूल में बिल्कुल। तो बड़ी चुनौती होगी आपके साथ भी क्योंकि सक्षमता पास 1,87,000 बीपीएससी वाले जो नए हैं पुराने हैं सब जोड़कर तो सबकी पोस्टिंग करना एक टारगेट तो लग रहा है कि चैलेंजिंग होगा। देखिए सब लोग अपना ऑप्शन दे देंगे और हम लोग पब्लिश भी कर देंगे और हम लोग ये है कि पूरी पारदर्शिता रखेंगे और किसका कैसे पोस्टिंग किया गया है अगर कोई जानकारी चाहता है तो हम बता देंगे, इसलिए कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बिल्कुल। जिलों का भी कोई अधिकार है इसमें डीओ का डीपीओ का? अभी जो जो राज्य स्तर पर है उस पर अभी केवल मुख्यालय स्तर पर सॉफ्टवेयर से होगा, मतलब कहीं से कोई कमांडिंग डीओ डीपीओ नहीं है अभी, अभी किसी का नहीं है। उसके बाद अगर कोई जिला जैसा आपको अलॉट हो गया अनुमंडल या इंटरनली हो गया तो हम लोगों ने जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में स्थापना समिति रखी है, अगर कोई मतलब चूक हो गई या कुछ त्रुटि रह गई तो अपना डीएम की स्थापना समिति में अपना प्रस्ताव रखेगा, उसमें डीडीसी हैं शिक्षा पदाधिकारी सभी लोग हैं जिनको आपत्ति होगी उनके लिए जो भी है मतलब आपको मतलब जो भी आपका इश्यूज है हो सकता है कि मतलब कोई भी इशू होगा कि वहाँ पे टीचर ज़्यादा हो गए या स्टूडेंट कम है टीचर ज़्यादा हैं या स्टूडेंट ज़्यादा हैं टीचर कम है तो अपना वो एडजस्टमेंट करेंगे जी। जो अप्लाई करेंगे इसके बाद क्या स्क्रूटनी भी होगी या फिर सीधा जो है उन्हीं के वेबसाइट कमेटी वगैरह? नहीं नहीं वो उन्हीं के वेबसाइट से ही है, सब आदमी अपने वेबसाइट से। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो क्रॉस चेक करेंगे वो ई शिक्षा कोश में जो आपका बायोडाटा है आप वहीं से अप्लाई कर रहे हैं तो बार बार स्क्रूटनी करने की क्या जरूरत है। मतलब इसमें आपको जो है लाइब्रेरियन भी हैं ना? अभी टीचर केवल, अभी इसमें सिर्फ टीचर केवल टीचर के पुराने और नए सब 94 99 सब मिला सब। अच्छा। बहुत दिन से लोगों का आशा थी कि पोस्टिंग होना चाहिए तो हम लोग एक रूपता रखे हैं सभी टीचर्स का। अच्छा एक सवाल भी और है कि जो सक्षमता पास किए हैं अगर वो नहीं चाहते हैं तो क्या वो अप्लाई करेंगे या सबको मस्ट है? कैसे वो नियम ही है कि उसको अपने पंचायत से हटना है। अच्छा वो मस्ट है हाँ, बाकी लोग नहीं ऑप्शन नहीं दे सकते हैं लेकिन सक्षमता का तो नियम ही था कि जब भी वो परमानेंट होंगे अपने वर्तमान पदस्थापन से हटेंगे जी। आज आपने शिक्षा की बात का आगाज किया है, एक बड़ा कार्यक्रम है, कहा जा रहा है कि नई पहल आपके द्वारा की गई है, दोपहर 12 बजे से हर शनिवार ये कार्यक्रम होगा, कैसा रहा क्या फीडबैक मिला आपको? देखिए इससे पहले हम लोगों ने एक मंथन कार्यक्रम रखा था सोमवार को और जिसमें सभी डीओज और शिक्षा पदाधिकारी आए थे और बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और उन लोगों ने करीब एक दिन पूरा सुबह से शाम तक अपने विचार रखे थे विभिन्न विषयों पर, क्लास कैसे चलना है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग कैसे होना है, पढ़ाई कैसे होती है, सब पे होता है। और हम लोगों ने जब पिछली बार हम लोगों ने YouTube में अपना वक्तव्य रखा विभाग की तरफ से तो हम लोगों को बहुत सारे ईमेल आए और बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो इतने सारे क्वेश्चंस का तो जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है जी। तो हम लोगों ने सोचा कि 10-10 क्वेश्चन सबका हर सप्ताह लेंगे और कोशिश करेंगे उसका जवाब दें क्योंकि एक संवाद देखिए विभाग का संवाद हमेशा टीचर और स्टूडेंट के साथ रहना चाहिए। ऑनलाइन इंटरेक्शन मतलब लगा कि